राधे राधे गुरु जी। जी मेरा ये प्रश्न है कि जिस प्रकार विष्णु जी का जन्म कलयुग में कल्की के रूप में हो रहा है, तो उसी प्रकार माता लक्ष्मी का किस रूप में जन्म होगा कलयुग में? होगा, माता लक्ष्मी जी भी बन के आएंगी कुछ कुछ, किसी न किसी रूप में हैं तो लक्ष्मी ही जी, पर जैसे राधा बनकर आई, सीता बनकर आई, रुक्मणी बनकर आई, ऐसी किसी रूप में आएंगी, विष्णु प्रिया बन के आ जाएंगी। बिल्कुल। और गुरु जी मेरा एक और प्रश्न है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आलस बहुत आता है, तो उसे कैसे कम करें? आलस से कौन है आपका रिश्तेदार, क्या लगता है आपका? मतलब कुछ भी हम करते हैं तो पहले बताओ, मतलब आलस से आपका क्या रिश्ता है, क्या लगता है आपका? कुछ नहीं लगता है। क्या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आलस? हाँ। शत्रु है। कौन है हमारा शत्रु? अब आप क्या कह रही हो कि आलस से आ जाता है जी। तो जब शत्रु आता है तो क्या करना चाहिए? उसे मतलब उसका सामना करना चाहिए। हाँ, पराजित करना है, पराजित करना चाहिए और सामना करना है। तो जब आपको आलस आए, समझ लो कि आपका शत्रु है, तुरंत स्ट्रांग होके खड़े हो जाइए, मजबूती के साथ तुरंत उस पर वार कीजिए, एक वार से उसको खत्म कीजिए। हारना नहीं है, हराना है। ये सारी जिंदगी आपका पीछा ना छोड़ेगा ये आलस्य, ये मन का भटकाव, ये वो शत्रु है हमारे कि मृत्यु के वक्त तक हमारा ये साथ नहीं छोड़ते, पिंड नहीं छोड़ते, पीछा नहीं छोड़ते। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा आज रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने यही गौरी गोपाल मंदिर में राधा रानी के चरणों में मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91% वाले गुरु। तो और रो काहे रही हो, 91 तो हमारे बने नहीं कभी। अच्छा है, अच्छा पढ़ो, हमारे तो 91 कभी आए ही नहीं। आपके एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ, अब रो मत, लेकिन पहले हंसो, पहले मुस्कुराओ। 91 आए, अच्छे हैं ना? हाँ, हमने तो सपना भी नहीं देखा था इतने के। अच्छा पहले अच्छे से चुप हो जाओ, फिर गाओ। 91 नंबर आए हैं, 91% बने हैं आपके, ये बहुत अच्छी बात है। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए निर्धन को धन मिल जाए, मानू तुम्हारा उपकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बहुत सुंदर। हमारे गांव में तो लड़के फेल हो जाते हैं तो इतना नहीं रोते जितना आप 91% में रो रही हो। हमारे यहाँ तो लड़के रोते ही नहीं है, फेल हो गए फिर भी नहीं रो रहे। हमारे यहाँ लड़कियां भी फेल हो जाती हैं तो वो रोती नहीं, और आप रो रही हो श्रीमान।